सीएससी की तरफ से जो भी अपडेट आते हैं आपको इसके बारे में जानना चाहिए, तब जाके ही आप सीएससी में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहला जो अपडेट है सीएससी की तरफ से आया हुआ, ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। फिलहाल यहाँ पर एक सर्विस को लॉन्च किया गया है, गवर्नमेंट लॉन्चिंग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना रजिस्ट्रेशन एंड कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज थ्रू सीएससी फ्रॉम 23 सितंबर 2022। यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ये योजना, जहाँ पर अपने सीएससी वैली क्या करेंगे, वहाँ पर आयुष्मान भारत कार्ड जो कि हेल्थ कार्ड होता है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और साथ में कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट भी करने का सीएससी वैली को काम मिला है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। अभी फिलहाल तमिलनाडु में शुरू हुआ है, बहुत ही जल्दी अगर सभी स्टेट में ये लागू हो जाएगा तो अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। ये अपडेट आपको कैसा लगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है, ये अपडेट है मध्य प्रदेश से आया हुआ। मध्य प्रदेश का एक सीएससी वैली को आधार सेवा केंद्र सीएससी की तरफ से मिल गया है। आपको पता ही होगा सीएससी की तरफ से हमको क्या मिलता है, बहुत मुश्किल करने के बाद ही यूसीएल में रजिस्ट्रेशन मिलता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है मध्य प्रदेश सीएससी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आज एमपी यानी कि मध्य प्रदेश डब्ल्यूसीडी वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से इनको आधार सेंटर की शुरुआत हुई है। यहाँ पर पूरा सेटअप लगाया हुआ है, यहाँ पर 3-4 पिक्चर इन्होंने यहाँ पर पब्लिश किए हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। मध्य प्रदेश टीम यानी कि मध्य प्रदेश की सीएससी को यहाँ पर मिला है ये काम, मतलब कि सारी सीएससी को मिल सकता है। तो आप भी अपने सीएससी डीएम से ये वाला जो ट्वीट है दिखाकर अपने स्टेट के बारे में डिटेल्स में जानकारी हासिल कर सकते हैं कि हमको भी आधार सेवा केंद्र लेना है तो क्या है प्रोसेस और कैसे करें, कैसे मिलेगा जल्दी। इसके बाद जो 3 नंबर का अपडेट है, ये एक अलर्ट को लेकर है। सीएससी ने यहाँ पर एक मैसेज दिया है, इम्पोर्टेंट नोटिस, सीएससी नेवर चार्ज टू वैली फॉर बैंक बीसी सर्विसेज। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि बैंक का ट्रांजेक्शन करने के लिए बैंकिंग आईडी ऑफिशियल लेना चाहते हैं सीएससी की तरफ से, तो सीएससी क्या करता है, ऑफिशियल प्रोसेस में जाता है। लेकिन बहुत सारे इस वीडियो के नीचे भी काफ़ी सारे लोग कमेंट करेंगे कि हम आपको सीएसपी दिलाएंगे, आप हमसे डायरेक्टली बात करने के लिए रिप्लाई करें, तो वहां पर रिप्लाई करेंगे, उनका नंबर देंगे, तो वो जो है बात करके आपको कुछ पैसा हड़प लेते हैं, उसके बाद वो पैसा तो आपको मिलता नहीं है, साथ ही बैंक का आईडी आपको नहीं मिलता क्योंकि वो फ्रॉड होते हैं। सो इस तरीके का मैसेज से बचने के लिए सीएससी ने ये पोस्ट डाला हुआ है कि आप किसी पर भी भरोसा मत करें। सीएसपी लेने के लिए अगर आपको सीएससी से रिक्वेस्ट डालना है तो सीधे ही आप डीएम से बात कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है सीएससी नेवर चार्ज टू वीएलई फॉर बैंक बीसी सर्विसेज। बैंक बीसी सर्विस के लिए सीएससी कोई भी पैसा चार्ज नहीं करती, ये टोटल फ्री है। इफ़ एनीवन आस्क्स अमाउंट फॉर बैंक बीसी काइंडली रिपोर्ट टू स्टेट टीम। अगर आपको कोई भी व्यक्ति बोलता है कि मैं आपको सीएसपी दिला दूंगा सीएससी की तरफ से, तो वो फ्रॉड ही है, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं सीधे स्टेट टीम को। सो ये तीनों अपडेट में से कौन सा अपडेट आपको सबसे अच्छा लगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करना भूलिएगा मत।